मुख्तलिफ मसलक और फिरके से ताल्लुक रखने वाले
उनमें से एक ही फिरका है इस कत्ल पे एहतजाज क्यों कर रहा है, बाकी जितने भी फिरके हैं वो सारे फिरके कहते हैं कि हमारे नजदीक भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के बेटे हैं। वो ये भी मानते हैं कि ये वाकया करबला मन घड़त नहीं ये हुआ है, वो ये भी मानते हैं कि कातिल यजीद है, लेकिन इस कत्ल पे सिर्फ एक फिरका और एक ही मसले है हर साल एहतजाज के सोच, बाकी तमाम मसालक और तमाम फिरके इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक हुए हैं, उनकी मजबूरी अगर मातम है तो हम अपनी हर मजलिस में कहते हैं कि आप मातम ना करें लेकिन एहतजाज में शरीक। देखें जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके उस आग के ऊपर जा रहा था, बाकी परिंदों ने रोक के पूछा था कहाँ जा रहा है, उसने कहा आग को छा, उसने कहा वो मीलों में लगी आग है, सांसों की गड्ढी की जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे कतरे से आगे बुझेगी नहीं, उसने कहा पता मुझे भी है बुझेगी नहीं, लेकिन कम अज कम इस कचरे को आग पे फेंक के अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था नबरूदियों से नहीं। तो आज उम्मत मुसलमान को चाहिए कि इस एहतजाज में शरीक हो। सवाल भी ये किया जाता है कि देखे हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, लेकिन हम मुसलमान एक नहीं है। ये बहुत अच्छा नारा है, ये बहुत अच्छा इतिहाद बैन मुस्लिमीन का नारा है कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, लेकिन मुसलमान एक नहीं हो रहे। मुसलमानों को एक होना चाहिए। तहरीक से अमीर अल मोमिनीन पे ये नौकर बता देता है कि मुसलमान एक क्यों नहीं है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, हम इसलिए एक नहीं है कि हमारा इमाम एक नहीं है। जिसने नबी के बाद जिसे मोतबर समझा उससे दीन ले, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि आप जिससे दीन लेना चाहें आप उससे दीन ले। लेकिन मैंने कल की मजलिस में भी कहा था कि जब पहली ही ईंट टेढ़ी हो गई तो फिर अब पूरी की पूरी दीवार टेढ़ी जाएगी। रसूल के बाद जिनाब ने अपनी जिंदगी में खून गदीर में जब 1.25 लाख हाजियों की मौजूदगी में ये ऐलान करके बता दिया था कि मेरे बाद अली मौला है और 1.25 लाख मुसलमान सहाबा ने अली के हाथ में बाइयत की थी, फिर अब हमारे सामने मुसलमानों के दो ही नजरिए हैं, एक इमामत है एक खिलाफत है। कुछ लोग इमामत के मानने वाले हैं, कुछ लोग खिलाफत के मानने वाले हैं, कुछ कहते नबी के बाद इमामत को मानना है, कुछ कहते नबी के बाद खिलाफत को मानना है। मैं नजफ में बैठ के बता देता हूँ कि इमामत क्या है, खिलाफत क्या है। नबी के जाने के बाद नहीं, नबी की जिंदगी में खुम्बे गदीर में 1.25 लाख हाजियों की मौजूदगी में एक ऐलान हुआ था, वो ऐलान इमामत का हुआ था, वो ऐलान विलायत का हुआ था, वो ऐलान मौला अली की मौलायत का हुआ था। 1.25 लाख मुसलमानों ने मौला अमीन अल-मोमिनीन के हाथ में बैयत कर ली थी, लेकिन खिलाफत का आगाज नबी की जिंदगी से नहीं हो रहा। नबी के जाने के बाद सकीफा बनी सादा में महाजरीन और अंसार इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर कहा कि नबी के जाने के बाद फारस महाजरीन में से होना चाहिए या अंसार में से होना चाहिए। महाजरीन अपना उम्मीदवार ले आए, अंसार अपना उम्मीदवार ले आए, आखिर वहां दस्तों के रिवाज हो रहे थे या एक सहाबी ने उठ के दूसरे सहाबी के हाथ में हाथ रखा, हाथ रखा मैं भी इनकी बैयत करता हूँ तुम भी इनकी बैयत करो, क्योंकि ये नबी के बाद बुजुर्ग भी है मोतबर भी है। यहाँ से खिलाफत का आगाज हो गया। तो अब दो ही नजरिए हैं, एक खिलाफत है एक इमामत है, एक बना था नबी की जिंदगी में, एक बना था नबी के जाने के बाद, एक बना था 1.25 लाख की मौजूदगी में, एक बना था चंद सहाबा की मौजूदगी में, एक हाथ नबी ने बुलंद किया था एक हाथ सहाबी ने बुलंद किया था। अब मुसलमान सिर्फ हमें इतना बताए कि कुरान में अता नबी की वाजब है या सहाबी की वाजब है। रसूल की वाजब है तो मैं रसूल का बनाया हुआ मानना, लेकिन नबी के जाने के बाद खिलाफत का आवाज हो जाए। हम गदीर से नहीं आए, हम मुसलसल गदीर में आए। खिलाफत और इमामत में कितना फर्क आया कि उन्होंने कहा हम इमामत से दीन नहीं देंगे हम खिलाफत से देंगे। शेर इमामत की सच्चाई जाना, जिन्होंने नबी के जाने के बाद इमामत को मोतबर नहीं समझा उनको भी फिर खिलाफत के बाद इमाम बनाने पड़े। मैं लफ्ज़ फिर दोहराने लगा, मैं इमामत वालों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने नबी के बाद दीन खिलाफत से
उन्होंने भी खलीफा तो बनाए, लेकिन फिर उन्हें खलीफा के अलावा इमाम भी बना लेते हैं। फिका का इमाम, तफसीर का इमाम, हदीस का इमाम। आज पूरे दुनिया में जितने मुसलमान आबाद हैं, उनमें से हर एक 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 इमाम की फिका पे अमल करता है। मैं बड़ी इज्जत के साथ नाम ले लूंगा, इमाम हम्बल की फिका पे अमल किया जाता है, इमाम शाफई की फिका पे अमल किया जाता है, अबू हनीफा की फिका पे अमल किया जाता है, इमाम सादिक की फिका पे अमल किया जाता है। अब मेरा सवाल है उम्मत मुस्लिम, जो फिका का पहला इमाम था अबू हनीफा, ये आया है छठे इमाम के दौर में। पहली जिसने फिका तरतीब दी है, मैं इमामत वालों की बात नहीं कर रहा, खिलाफत वालों की बात, पहला इमाम बना इमाम सादिक के दौर में। अब मेरा सवाल है जो हमसे सवाल करते हैं कि आपने ये कहां से लिया, ये कहां से लिया, ये कहां से लिया, मैं पूछता हूं कि पहले तुम्हारे इमाम के आने तक तुम किस भी फिका पे अमल करते थे? आपने किसकी फिका पे अमल किया? क्योंकि आपका पहला इमाम जो आया है इमाम सादिक, और वो इमाम सादिक की शख्स, कोई आया 100 साल बाद, कोई आया 125 साल बाद, कोई आया 165 साल बाद, और आखिरी आया 180 साल। और जितने भी ये इमाम थे जिनसे मजहब इमामत के मानने वालों के अलावा जिन्होंने दीन दिया, इनमें से तीन आइमा के मानने वाले हाथ बात के नमाज पढ़े, और एक इमाम के मानने वाले हाथ धोल के, जिसके मानने वाले हाथ धोल के नमाज पढ़ते उनका नाम इमाम मालिक, और सिर्फ इमाम मालिक का ताल्लुक मदीने से, जिनका ताल्लुक मदीने से था उसके मानने वाले आज के हाथ धोल के नमाज पढ़ते। इमाम अहमद बिन हम्बल है मुसलमानों के इमाम है, हिफ्ज़े बरादत के एतबार से अपने बेटे को सहाबा के नाम लिखवा रहे हैं, तो बेटे ने कहा बाबा मुझे मुतलों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा दें, उन्होंने पहले तीन खुलफा का नाम लिखवाया, अली का नाम छोड़ दिया, नौ नाम और लिखवा दिए, जब 11 नाम मुकम्मल हुए बेटे ने कागज कलम जमीन पर फेंक के कहा बाबा आप वो कहीं अली से दुश्मनी तो नहीं है? मैंने कहा था मुतलों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा, हर नाम के बाद सोचता रहा अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, 11 नाम लिखवा दिए, अली का नाम अहमद बिन हम्बल छिड़कने के कहते हैं शर्म नहीं आ रहा है, पूछ सहाबा का रहा है, अली में सहाबी है, अली तो मोहम्मद का भाई है। पहले दो दौर खिलाफत के गुजरे, कल से जहां मुतबू छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ेगी, मुहर्रकात कत्ले हुसैन की वजूहात, इस कत्ल की दुश्मनी कहां से चली थी? मैंने कल के लिए सब तमहीदी मजलिस में कहा था ये कत्ल ये दुश्मनी सिर्फ यजीद और हुसैन की नहीं, यजीद के बाप और हुसैन के बाप में भी थी, यजीद के दादा और हुसैन के दादा में भी थी। किताब में एक वाक्य लिखा है जिसे अहले सुन्नत के तबकात इब्ने साद ने, अबुल फिदा ने, तिबरी ने, इब्ने खल्दून ने, सब ने लिखा, जब रसूल मक्का फतह करने के लिए पहुंचे तो रिसालत वाले ने मक्का के बाहर पड़ाव किया, सारी रात रसूल मक्का के बाहर गए ताकि मक्का के लोगों की नींद खराब हो और सुबह को अमन से मक्का में दाखिल हो। जब रिसाल ने बात कर लश्कर मक्का के बाहर खड़ा था तो किताबें कहती हैं कि दो मक्का के सरदार मक्का की पहाड़ी पर खड़े थे, एक का नाम अबू सुफियान, एक का नाम अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, कत्ले हुसैन की वजह पड़े हुए अबू सुफियान और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, एक यजीद का दादा और एक हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा रसूल और अली का चचा। अब यहां दोनों ने एक जुमला कहा है, वो जुमला नहीं था, यही नजरिए करबला में आया, जब बहुत बड़े लश्कर को देखा तो अबू सुफियान ने हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के कांधे पे हाथ रख के कहा मुबारक हो तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना दी। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ के पीछे हटा के कहा शर्म कर, ये हुकूमत नहीं ये रिसालत है। दो तरह के नजरियात ने जन्म ले लिया, एक वो जिन्होंने नबूवत को हुकूमत समझा, जिसने नबूवत को हुकूमत समझा इसी ने सुबह कलमा पढ़ लिया और ये मुसलमान हो गए इस्लाम के दामन में। अब यहां से उम्मी दुश्मनी का आगाज हो जाता, उमैया के जो दुश्मनी की रसूल से उसका आगाज हो गया,
सहाबा पहला खलीफा आया, दूसरा खलीफा आया, दूसरी खिलाफत का दौर गुजर गया। जब तीसरी खिलाफत का दौर आता ये गदरे हो गए इमाम हुसैन के मोहरिकात आपके सामने। जब तीसरी खिलाफत का दौर आया वो तीसरी खिलाफत के दौर के इख्तिताम में जब खिलाफत अमीर मोमिनीन को दी गई तो छह लोगों की कमेटी बनी। ये छह लोग मिलकर मशवरा करेंगे कि खिलाफत किसे दी जाए। आखिर खिलाफत अमीर मोमिनीन के पास जब आ जाती है तो अब उमवियों की साजिश जाती है। तीसरे दौर में उमवियों को इतना मजबूत कर दिया गया था, इतना मजबूत कर दिया गया कूफा में उमवी, बसरा में उमवी, मिस्र में उमवी। तीसरे खलीफा का ताल्लुक बनी उमैया से। तीसरे खलीफा ने अपने खाका साहब भाई वलीद बिन उकबा को कूफे का गवर्नर बना दिया। अपने रजाई भाई अब्दुल्लाह इब्ने सुलैम ने मिस्र का गवर्नर बना दिया। अपने मामोजाद भाई अब्दुल्लाह इब्ने आमर को बसरे का गवर्नर बना दिया। और जो शाम उमवियों का मरकज था यहां का होगा। जब पहले खलीफा का दौर था थोड़ी सी तारीख सुनिएगा ताकि अगले हुसैन के मोहरिकात समझ में आ जाए। बताओ देखना जब पहले खलीफा का दौर था तो पहले खिलाफत के दौर में एक लश्कर भेजा गया था शाम भेजा गया। शाम उस वक्त एक बहुत बड़ी जगह थी। यहां चार सरदारों को भेजा गया। अब वो कहता चला शर्जी बिन हसना, अमर बिन आस और यजीद बिन अबू सुफियान। चार सरदारों को ये कह के शाम की तरफ भेजा गया। उस वक्त का शाम सिर्फ खुल के शाम नहीं था, फलस्तीन भी इसके अंदर था, उर्दन भी इसके अंदर था, हमास भी इसके अंदर था। ये चार सरदारों को ये कह के शाम भेजा गया कि अगर तुम शाम फतह कर लो तो हम तुमसे मुआहदा करते हैं कि उर्दन शर्जील इब्ने हसना को दे देना, मिस्र अमर बिन आस को दे देना, फलस्तीन अबू अबैदा जरा को दे देना और दमिश्क का हाकम यजीद बिन अबू सुफियान को बना देना। ये तारीख की सबसे बड़ी गलती है हबीब तकल्लुक साहब कि एक तो यजीद मुआविया का बेटा था, एक यजीद मुआविया का भाई था। मुआविया के भाई जो बड़ा था उसका नाम भी यजीद था, यजीद बिन अबू सुफियान। किसने अपने भाई की मोहब्बत में अपने बेटे का नाम यजीद रखा था। यजीद बिन अबू सुफियान मुआविया का बड़ा भाई था। ये तो मुसलमान मौलवी खुतबा जुमा में गला फाड़ फाड़ के कहते हैं ना कि शिष्यों को यजीद में लानत नहीं करनी चाहिए। वो फातिह दरवेश था, वो कुस्तुफ दुनिया की जंग में शरीक था, वो जो कुस्तुफ दुनिया की जंग में गया था जिसने दरवेश फतह किया था कोई यजीद माविया का बेटा नहीं था, वो यजीद माविया का भाई था। अगर ये समझोगे कि वो माविया का बेटा था तो फिर ये कैसा बेटा था जो बाप से पहले पैदा हो गया था। अगर आप उम्र के एतबार से देखें तो जब कुस्तुफ दुनिया फतह हुआ तो यजीद तो पैदा ही हुआ कि यजीद बिन अबू सुफियान। थोड़ी सी वजूहात सुनिएगा फिर मैं आपको शाम फतह होता हुआ दिखाऊंगा। जो मेरे शहनशाह ने कूफा को आके मरकज हुकूमत बनाया वो शाम फतह। इन चार लोगों को ये कहते थे शाम भेज दिया गया पहले खलीफा के दौर में, पहले खलीफा के दौर में तुम्हें शाम फतह कर लो और अगर शाम फतह हो जाए तो ये चारों मुल्क आपस में बात करेंगे। अभी अब ये शाम कब फतह हुआ? 14 हिजरी। 14 हिजरी को शाम फतह हो गया और वाहिदे के मुताबिक इन चारों ने उर्दन फलस्तीन हमास और दमिश्क आपस में बांट लिया। 18 हिजरी को यजीद बिन अबू सुफियान दाऊद के मर्ज में मुबतला हो गए मर मर मरता हुआ अपने छोटे भाई माविया बिन अबू सुफियान दमिश्क का गवर्नर बना। 18 हिजरी को ये दमिश्क का गवर्नर बना। 23 हिजरी को मदीना में तीसरा खलीफा का दौर। जब तीसरे खलीफा का दौर आ गया तो उस वक्त तीसरे खलीफा ने एक खत भेजा कि क्योंकि माविया बिन अबू सुफियान ये भी उमैया से है, मैं भी उमैया से हूं, तो लिहाजा ये तीनों इलाके उर्दन मिस्र फलस्तीन इन तीनों के गवर्नरों को मुअद्दल करो
और ये तीनों इलाके भी मुआविया बिन अबू सुफयान को दे दो, और 18 हिजरी को ये इसने सल्तनत में सिर्फ दमिश्क भी बैठा, 23 हिजरी को इसने पूरा इलाका दे दिया, 23 हिजरी से लेकर 7 हिजरी तक मुसलसल शाम मुआविया के तसल्लुत में रहा। 48 साल इसने दुनिया को दूसरा इस्लाम नजरी में आने दिया, 41 साल इसने शाम में इतनी मजबूत हुकूमत बना दी, इतनी मजबूत हुकूमत बना दी कि इसने शाम के लोगों के दिलों में अली की दुश्मनी इतनी गहरी कर दी, इतनी गहरी दुश्मनी कर दी कि ये शाम में बाकायदा मिंबरों पे मौला अली को माजल्ला सुम्मा माजल्ला गालियां दलवाता था। ये छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथों से उनके जानवर खींच के उनके कानों में कहलवा देता था, तुम्हारा जानवर अली छीन के ले गया है। इसने कबीलों में रात की तारीकी में डकैतियां करवा दिया, चोरियां करवा दिया और कह देता तुम्हारा माल अली लूट के ले गया है। 40 से 48 साल मुसलसल इसने शाम में अली की दुश्मनी इतनी मजबूत कर दी कि शाम में बैठ के खत लिखता था और खत लिख के कहता था अली मेरे मुकाबले में ना आना, मैंने शाम इतना मजबूत कर लिया है, अब शाम तेरे हाथ में नहीं आएगा। ये थी मेरे मालिक अमीरुल मोमिनीन की मजलूबियत। मदीना मुनाफिकीन से भर गया था, कूफा की गवर्नरी ये अपने भाइयों को दे चुके थे, बसरा में उमैया बैठे हुए थे, मिस्र में उम्मी बैठे हुए थे, शाम उनके पास चला गया था, साजिशों चारों तरफ से अली को घेर चुकी थी। अली ने 700 के मरकज में अपना मरकज कूफा बना लिया। कूफा में आके अली ने कभी इन्हें चरण में रोका, अली ने कभी इन्हें सफीन में रोका, अली ने कभी इन्हें मेहमान में रोका। अमीर अली मोमिनीन मदीने की 700 का मुकाबला भी करते रहे, कूफा की 700 का मुकाबला भी करते रहे, शाम की 700 का मुकाबला भी करते रहे। तबहीद मेरी मुकम्मल हो गई। मैं आप बताने लगा हूं अली की औलाद की फतह, जब मौला अली ने 1900 को एक एक करके तार किया, बसरा की साजिश नाकाम की, फलस्तीन की साजिश नाकाम की, शाम वालों कत्ले हुसैन की वजह पर अमीर मोमिनीन ने कदम इतने अमीर मोमिनीन ने अकेले बैठे अकेले और कोई ना समझे कि साहब कूफा बेवफा था। चांद साल साफी थी अली, जब हमारी चमन में गए सिर्फ 1000 लोग मदीने से आए थे, 7000 असहाब अली के साथ कूफा से गए, सफीन में मौला अली के साथ कूफा के बने थे, सारा कूफा बेवफा नहीं था। मैं आपके मजहब सुन बताऊं था कि कूफा में कैसे कैसे लोगों को आबाद करके कूफा को बदनाम किया गया था, और वो जो खत इमाम हुसैन को लिखवाए थे वो किस किस के खत थे, जो आज तक हम शियों के खाते डाले जा रहे हैं कि शियों ने हुसैन को कूफा से खत लिखे थे, वो शिया ने अली नहीं थे, वो शिया ने मुआविया थे, जिन्होंने शिया अली के लिबादे में आते इमाम हुसैन ने इसे खत लिखे। अब कूफा अमीर अल-मोमिनीन के पास, अब थोड़ा सा पीछे जाइए जहां से मैंने बात शुरू की, जब रसूल नबी से मक्का फतह किया तो वो जिसने चोटी पे खड़े होकर कहा था कि तेरा भतीजा हकमत बनाया, ये मक्का का बहुत बड़ा सरदार था, इसकी ऊंटनी के करीब भी कोई खड़ा नहीं हो सकता, सुबह इसे रस्सियों में जकड़ कर दरबारे में सादत में खड़ा कर दिया। कौन अबू सुफयान जिसने रसूल से बच्चों को मक्का के बच्चों से रसूल को पत्थर मारा, अजियत कर रहे आज के कांपते हुए बदन में दरबारे रिसालत में खड़ा था कि आज मोहम्मद मुझसे क्या बदला देगा, लेकिन रहमत लालमीन की नजर से इसका कांपता हुआ बदन देखा। वो सरदार जिसने मक्का में रसूल को 3 साल तक अपने खानदान समेत एक घाटी में महसूस किया था, जिसने 3 साल नबी के खानदान को मक्का में पानी नहीं पीने दिया था, आज वो कांपते हुए बदन से नबी के साथ खड़ा था। अब कायनात की निगाहें देख रही थी, जरूर बदला होगा, जरूर कत्ल होगा, रहमत की नजर उतरी। रसूल ने एक दफा उसे सर से लेके यूं कांपते हुए बदन को देखा, रिसासे में अपने चेहरा फेरा, चेहरा फेर कर जा मैंने तुझे आजाद किया। लफ्ज सुनना नतीजा जब बिल्कुल पहुंचेगा तो आप समझेंगे कि तबलीग कितनी जरूरी थी। चार मैंने तुझे, अब ये ना समझिएगा ये आजादी थी कि उसके लिए मौत थी,
بن محمد پوچھے قتل کر. یہ میرے چہرے میں بہت بڑا تماشا تھا کہ مجھے عبداللہ کے بیٹے نے ابو طالب کے بیٹے نے ہر بھائی کے بیٹے نے کیا میں نے تجھے آزاد کیا. پھر یہ مکے کی جس گلی سے گزرتا لوگ چہرہ پھیر کے کہتے اسے محمد نے آزاد کیا. یہ جتنی دیر مکہ میں رہا رسول کا آزاد کرتا غلام کے وقت اس نے کہا عبرتناک موت ہے مر جاتا اس سے اچھا تھا. اس نے اپنی نسل سے کہا مدی مکہ نہ رہنا اور مدینہ بھی نہ جانا مدینہ بھی دوسری کی حکومت. یہ دانا ہمارے مر جانے کے لیے کافی کہ ہمیں بڑی بھاشا کی نسل سے ایک بیٹے نے آزاد کیا. یہ پورا خاندان شام چلا گیا شام 48 سال حکومت کر کے انہوں نے اپنا مرکز بنا دیا. ادھر مدینے میں لے کر تیسرا خلیفہ مسلمان ہوگا وہ بھی امیہ کی نسل میں سے ہو گیا. انہوں نے کہا اب بدلہ دینے کا وقت آ گیا اب مدینہ میں بھی ہمارا راج کوفے میں بھی ہم بصرہ میں بھی ہم مصر میں بھی ہم دمشق میں بھی ہم اردن بھی ہمارا فلسطین بھی ہمارا اب ہم اسلام سے بدلہ لیں گے. لیکن تیسرا خلیفہ قتل ہوا جب علی آیا چاروں طرف سے امویوں نے گھیرا ہوا تھا علی کو. مولا علی کو ابھی چاچے کیا تھا ابو سفیان مرتا مرتا اپنے بیٹے معاویہ کو وصیت کر کے گیا تھا اس کا سوچ لیا مجھے محمد نے بھرے دربار میں کھڑے کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد اگر زندگی میں کبھی موقع ملے اس اہل بیت کی نسل میں سے کسی ایک کو یوں ہی دربار میں کھڑا کر کے اسی طرح جملہ دوہرا جا میں نے تجھے آزاد اگر یہ جملہ دوہرا ہوگا سمجھ لینا ہمارا بدلہ ہو گیا. کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا یہ انتقام نسلوں کو منتقل کر کے جاتے تھے یہ انتقام ورثے میں لے کے جاتے تھے. اس نے اس کے بعد اگر پوری دنیا میں بھی حکومت کر لے مجھے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اسی دن ہوگا جس دن تو اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کو کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب ان کا شام میں مرکز بن گیا انہوں نے سفیر میں چاہا کہ ہم علی کو اتنا کمزور کرے کہ ہم علی کو قید کریں قید کر کے شام لے کے جائیں شام جا کے کہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفیر میں انہیں اتنی عبرتناک شکست دی کہ سفیر سے الٹے پاؤں توڑے علی شہید ہو گئے کوفہ میں. اس کے بعد مولا حسن منبر پہ آ گئے انہوں نے یہی بدلہ حسن سے لیا. مولا حسن نے جب دیکھا میرے پاس ناصر نہیں ہے میرے پاس رسل کرنے والے نہیں ہیں میرے پاس مخلص لوگ نہیں ہیں مولا حسن نے معاہدہ لکھا معاہدے کی شرط لکھ کے اس کے منہ پہ ماری تاکہ اس کی وہ سازش اس کے دل کے دل کے اندر ہی رہ جائے. یہ چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حسن کو شام لے کے آؤں اور شام لا کے اپنے دربار میں اپنے تخت کے سامنے کھڑا کر کے کہو جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس کی سازش مولا حسن نے پوری ہونے دی. جب کس نے دیکھا یہ خود تخت پہ بیٹھ گیا ہے تو معاویہ مرتا ہوا اپنے بیٹے یزید کو کہہ گیا تھا کہ مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی میں تجھے وصیت کرتا ہوں اہل بیت میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یزید تخت پہ بیٹھا اس کا پہلا حکم یہ دوں گا کیونکہ میرا باپ 48 سال کوشش کرتا رہا نہ علی کو دربار میں لا سکا نہ حسن کو دربار میں لا سکا میں پہلے دن سے کوشش شروع کروں گا میں حسین کو دربار میں لے کے آؤں گا اور کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے پہلے دن ہی بیٹھ کے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر دیا حسین سے انکار کر دیا حسین سے وطن چھوڑا. اس نے کہا اب میں حسین کو گھیر کے شام لے کے آؤں گا اور شام آ کے حسین کو قیدی کر کے کھڑا کروں گا اور پھر کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. مولا حسین مکہ پہنچے مسلمانوں کو یہی یہی سازت بتائی کسی نے حسین کا سازہ دیا حسین کربلا میں آ گیا کربلا میں اس نے 9 لاکھ بھیجے کسی کا 9 لاکھ ایک حسین کو قید کر کے لے آئے حسین سے 72 کے ساتھ سکھ سے لے کے اثر تک ان کو ایسا مصروف کر دیا کہ سکھ سے لے کے اثر تک کبھی عباس نے دوڑاتا رہا کبھی اکبر نے بھگاتا رہا کبھی قاسم کو تیروں سے پیچھے ہٹاتا رہا. ادھر کربلا بھی شام ہو گئی حسین نے سر سر سے رکھ دیا 9 لاکھ میں حسین نے میرے سجاد نے ہاتھوں میں ہتھیاریاں ڈال دی سجاد کو قیدی کیا. خبر شام پہنچ گئی کہ مدت کے بعد 70 سال کے بعد اہل بیت کا ایک فرد قید ہو چکا ہے اب اسے شام لے کے آیا جا رہا ہے. سجاد کوفہ سے گزرے شام کے باہر آئے میں فضائل پڑھ رہا ہوں اس نے بازار سجا لیے اس نے دربار سجا لیے اس نے لوگ بلا لیے اسے کہا آج 70 سال کے بعد اپنے دادے کی شکست کا بدلہ اپنے بابے کی شکست کا بدلہ میں لینے لگا ہوں. اس نے پورا دربار بھر دیا اس نے پورا شام شہر بھر دیا اس نے 3 دن شام شہر میں عید منعقد کروا دی کہ آج ہم اہل بیت سے بدلہ لیں گے. ادھر یہ تخت پہ بیٹھ گیا درباری آ
वजीर किसके, मशीर किसके, कितने साल हुकूमत थी, 70 साल, कैसे बुलाया अली की बेटी, जवान हो रहा था, मैं रोज तेरी चलती जवानी देखती थी और रोज सोचती थी जिसका अब
कहबा के शहर के करीब से अली की बेटी थी। कितना फासला है कहां से कूफा। साइरीन पैदल भी चले जाते हैं, 10 से 12 मिनट की मुसाफत है। ये थी बाबा की कब्र और बगैर चादर के गुजर रही थी कूफा से। Baby!
में मेरे शहनशाह को पता चले कोई बहने बेटियां लेके रोने के लिए आया है। कैसे कुतरी बाजार में अली के सामने नहीं पड़ सकता, कैसे गुजरी शाम। अक्सर लोग कहते हैं मुसैब सख्त ना पड़े, मुसैब है ही सख्त। मुसैब नरम होता तो सजाद लहू होते। बस शाम एक जुमले में समझ लिया करो, इस जुमले के बाद शाम पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस सज्जाद ने अकबर की मौत बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम में हुआ था जो उसका जिगर घट गया। हम तो आपके डर से पढ़ देते हैं, पत्थरों की बारिश हुई थी। मुझे शहनशाह की जर्री की कसम है, जिसके हाथ में आग थी उसने आग फेंकी, जिसके हाथ में उबल का पानी था उसने फेंका। सज्जाद कहते जब बदलाव शाह नूर की दीवार के साथ खड़ी थी अली की बेटी का, मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन, इनमें असगर की मां। आखिरी दो मिनट, आखिरी कल वादा किया था मैंने मिंबर से, कल पढ़ा था मैंने अली की बेटी का मदीने से निकलना। मैंने वादा लिया था कि कल पढ़ूंगा अली की बेटी का मदीने उतर। कल पढ़ा था मीर दी गई भाइयों का छुट, अब्बास का पहरा, अकबरों का सबका सहारा। अब जब वापस पलटी है, अक्सर जाकरी मीर तकल्लो भाई पढ़ते हैं कि बीबी ने पूछा सज्जाद के कौन सा शहर आलिमा गैर मुअल्लिमा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा शहर है। बीबी ने पूछा सज्जाद ये मदीना है। हाँ मदीना है, रोग कभी पहली बार बाहर से देखा है। इस जुमले में भी पहाड़ था, मैं 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे में गई थी। अब मैं हालत नहीं पढ़ सकता। आदमी आजादार हो, तुमने भी करबला का सफर करना है। बस बस इशारा दूंगा, इशारा समझ लेते। बीबी ने कह दी सज्जाद मुझे बताइए नाना की कब्र कहां है। अम्मा बोल सामने है कब्र रसूल। जुमला पढ़ूंगा इशारा समझ लेते। अम्मा जुबान में तस्वीर फरमाए बीबी नाना की कब्र कोई ऐसे आई जैसे अकबर की लाश पे के लिए आए।